फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वैष्णेया। आज मैं आपको बताऊंगी कि गुड़हल की कटिंग कैसे लगाते हैं। तो ये देखिए, मेरे कुछ गुड़हल के प्लांट हैं, इनको मैंने प्रून कर दिया था कुछ दिन पहले, और देखिए कितनी अच्छी इनकी ब्रांच आई हैं, नई नई सी, बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में ये प्लांट। तो अभी बारिश का सीज़न स्टार्ट हो गया और आप भी इनकी कटिंग ऐसे ही लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से चलेंगी कटिंग इनकी। तो मैं कटिंग काट लेती हूँ। आप इसकी कोई भी कटिंग लगा दीजिए, पतली लगा दीजिए, मोटी लगा दीजिए, सारी कटिंग कंप्लीट हो जाती है, लग जाती है। तो कटिंग के लिए हमको थोड़ी सी ऐसी ब्रांच लेनी है मीडियम साइज़ की, जो कि बहुत ही अच्छी तैयार होगी कटिंग। तो मैं कटिंग काट लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी कुछ कटिंग्स जो मैंने काट कर पानी में रखी हुई थी, और आज मैं इनको गमलों में लगा कर आपको दिखाऊंगी कि इनको कैसे लगाना है। इनको मैंने लगभग 5 से 6 दिन पानी में रखा हुआ था, और ये देखिए इसमें वाइट वाइट रूट्स भी दिख रही हैं, ये देखिए। तो ऐसे ही सारी कटिंग मैं निकाल कर इसमें आज इसको मिट्टी में लगाऊंगी। तो ये मेरी सारी कटिंग है, आप ऐसे ब्रांच ले सकते हैं कटिंग के लिए। तो पहले चलिए हम गमले में मिट्टी भर लेते हैं। ये देखिए मेरे पुराने गमले की मिट्टी है, मैं इसी को डालकर लगाऊंगी इसमें कटिंग्स। इसके जो कुछ रूट्स हैं उनको आप बाहर निकाल कर दीजिए, ताकि मिट्टी अच्छी साफ रहे। इसमें लगभग 40% सैंड है और रेत है और मिट्टी है, इसमें 40% सैंड और लगभग 60% इसमें मिट्टी है मेरी गार्डन की। तो ये देखिए इसमें कटिंग बहुत अच्छी चलेंगी, और मैं इसमें अभी कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाल रही हूँ, बस इसमें ऐसे ही लगा दूँगी इनको। और जब ये नई नई इसमें रूट्स आ जाएंगी और प्लांट अच्छे से तैयार हो जाएगा, तो फिर मैं इसको अलग रिपोर्ट कर दूंगी। तो ये देखिए अभी बारिश के सीज़न में आप कटिंग को कैसे भी लगा दीजिए, बहुत अच्छे से चल जाती है। मैंने कई प्लांट तैयार किए हैं गुड़हल के, गुड़हल और मोगरा के, चंपा के भी कई सारे प्लांट मैंने कटिंग से लगाए हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे रेनी सीजन में तो आप कोई भी कटिंग लगा दे तो अच्छे से तैयार हो जाती है। तो ये मैंने मिट्टी ऐसे भर ली है, इसको मैं थोड़ा सा दबा दूंगी, ये देखिए हल्के हाथ से। ज़्यादा नहीं दबाना है, बस थोड़ा थोड़ा इसको हल्के हाथ से दबा देना है मिट्टी को, ताकि हम जो भी कटिंग अपनी लगाएं। और ये देखिए आप इसमें देख सकते हैं, इसमें नई नई पत्तियां भी आ गई हैं, ये पानी में रखे रखे ही। तो मैं बस इसको ऐसे ही लगा दूंगी। तो सबसे पहले हम इसमें, आप चाहे तो किसी पेन या टूथब्रश की हेल्प लेकर ऐसे होल कर सकते हैं। ये देखिए मेरे पास नहीं था अभी कुछ, मैंने उंगली से किया हुआ है, और लगभग इसको 2.5 से 3 इंच अंदर दबा देना है कटिंग को, और फिर इसको ऐसे दबा देना है अच्छे से। कटिंग को अच्छे से दबा दीजिए ताकि हिले नहीं तो फिर सक्सेस नहीं होती अच्छे से, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब भी आप कोई भी कटिंग लगाएं तो उसको अच्छे से प्रेस कर दें, ताकि वो मिट्टी को पकड़ ले अच्छे से। तो ये देखिए मैंने लगा दिए इसे, अब उसके बाद यहाँ पर मैं दूसरी कटिंग लगाऊंगी। तो ये देखिए सभी में रूट्स आ गई हैं, ये देखिए
अभी थोड़ा बादल छाए हुए हैं, ज़्यादा बहुत साफ दिखाई नहीं दे रहा है। और थोड़ा शाम का टाइम भी है, तो ये देखिए ऐसे ही मैं सारी कटिंग अपनी लगा दूंगी। और ये देखिए एक ये है, आप कभी भी कोई भी कटिंग लगाएं तो थोड़ा सा 2-3 दिन या 4-5 दिन तक उसको पानी में डालकर रख लें, बहुत जल्दी ग्रो करती है वो कटिंग। और नहीं तो आप डायरेक्ट मिट्टी में भी लगा सकते हैं, तब भी वो अच्छे से चल जाती है, अगर गुड़हल की कटिंग लगाते हैं तो। बाकी आप गुड़हल है, चांदनी है, इनकी कटिंग अगर हम लगाते हैं तो 2-4 दिन पानी में रखने से इनमें बहुत जल्दी रूटिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि इसमें वाइट रूट्स दिखने लगती हैं और फिर आसानी से लग जाती है वो। ये देखिए, तो ये देखिए मैंने अपनी सारी कटिंग लगा दी है, और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। और पानी पहली बार हमको अच्छे से डालना है ताकि इसका ड्रेनेज होल से पानी निकल जाए। उसके बाद आप चेक करते रहिए, जब आपको मिट्टी इसकी सूखी लगे थोड़ी सी तो आप इसे पानी डाल सकते हैं, और ये लगभग 1 महीने में बहुत अच्छी कटिंग तैयार हो जाएंगी, नए नए प्लांट बन जाएंगे गुड़हल के। तो आप ये भी रेनी सीजन में आप किसी भी की कटिंग लगाइए, किसी भी प्लांट की, बहुत अच्छे से चलेंगी और फ्री के प्लांट आपके घर में बन जाएंगे। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, कमेंट भी करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।